चरण में सिर झुका के मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आपसे होने के कारण समझ सकती हूँ, बताइए क्या बात है। सपना तू ममता की सागर, लक्ष्मी की अवतार, कैसे भूलूं सपना तेरा मैं। सपना अगर आज तू समय पहले आई होती तो तेरे भैया ने मुझे चला गया। भाभी माँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी माँ आप बैठ जाइए, मैं भैया से बात करती हूँ। भैया बोलो। सपना, भाभी तो कुछ बताई नहीं, चलिए भाभी की बात छोड़िए, भैया बताइए। बोलो बोलो। मैं अच्छी लगती हूँ? अरे सपना, तू तो विश्व सुंदरी है, बहुत खूबसूरत है। सही है बाबू साहब, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, कहाँ बताइए। अबे सारे कैसा इच्छा जाता है बे, इनका देखकर मिजाज खराब हो जाता। सरल तो हर मिजाज खराब होता है। हम सोचत रहे काश हमारे घर में ऐसे आ जाते। सब कौन तुम्हारे घर में आ जाबे? नहीं ना बहन। ओ बहन, तू मेरी अच्छी बहन हो। क्या बे साले, तुम्हारी सारे बोल ला। तुम बोल ला। क्या बोल ला? बड़ा बदतमीज है साले। बहन तू मेरी अच्छी बहन हो। हाँ। बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ क्या कि एक अच्छा सा लड़का देख कर। हाँ। देख सर खटकोरवा या सराउ थोबड़ा है, कहा था है हमारी किनार। क्या बे भैया? हाँ बहन बोलो। भाभी कैसी लगती है? भाभी अरे वो तो काली कलूटी है साली, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अच्छी लगती हूँ। अरे बहन तुम तो बहुत अच्छी बहन हो। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बहन मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन भैया ना। हाँ हाँ बोलो। क्या बताऊँ? बोलो क्या कहना चाहते हो? पुरवैया कमबख्त हवा चलती है ना। हाँ हाँ। मेरी बदन टूटती है ना जाने। तो हम कब बुला ले बकरा? न जाने क्यों कैसी कैसी बात है। आपसे कह दूं क्या कुछ बात? चाहती हो बहन? ये सारे एक चूड़ी और बढ़ावा दे चला जाता। कहने चल रही हूँ सुनिएगा। होता नहीं माना, कहने
क्या हुआ बे? क्या हुआ रे? हम तो कल कैसे हमारे दर्द शरीर ये चलना मन न हो शरीर ये चलना मन न जाता साले कमी सा बहुत माँ बाप चल दे आ जाइए ना दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? मेरा दिमाग खराब हो चुका है। देख बहन, अरे मैं तेरा भाई हूँ रे, तू मेरी बहन है, है? कुछ भी होता है। बाबू साहब, बोल बोल। ये कार्तिक का महीना चला था ना? हाँ, कार्तिक तो चल रहा है क्यों? हाँ। ये हमारे इनका ज्यादा दिमाग खराब है। अबे साला, मैं तेरी बात को नहीं समझ पा रहा। जहाँ देखा था मैं तहाँ याद अट्ठे लगा रहा थी। चुप साले, बदतमीज साले। वही हो सका तो बिट्टी देखे ना। ऐसे नहीं कहती तो कमबख्त जाता नहीं। सही है, सही बेटी, एकदम सही कहती है। इसकी कमियां सब जानती हूँ, लेकिन अब भाभी मास में कुछ बात कही। भाभी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरी एक बात मान जाइए। भाभी माँ, कौन सी बात? आप अपने मायके चली जाइए। जब भैया आ जाएंगे ट्रेनिंग करके तो मैं आपको बुलवा लूंगी। नहीं तो भाभी माँ, मैं कॉलेज भी चली जाती हूँ, आप अकेली रहेंगी। भैया कब आ जाए, आपकी इज्जत के साथ फिर बदतमीजी ऐसे करने लगे। मैं तुझे छोड़ के कैसे चली जाऊँ रे भाभी माँ? मैं आपको कहाँ कह रही हूँ मुझे छोड़ के जाइए, बस दो चार दिन की बात है। भैया आ जाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगी। लेकिन सपना तो मेरे बगैर अकेली हो जाएगी, मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊं? इसमें समझने की बात है भाभी माँ, आप मेरी बात समझिए, आप जाइए। नहीं तो भैया बहुत ज्यादा निचाई उतर चुके हैं। लेकिन अपनी को ठीक है भाभी माँ, कहाँ मैं आपको भूलूंगी। सपना हो मोरी
मेरी भाभी को सलामत रखना, जहाँ रहे चौगनी रात चौगना दिन बढ़ती है, मुझे काली जाने की समय हो गई। नौटंकी दर्शक बंधुओं को और माता और बहने शुभम स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों के साथ मैं गुलशन कुमार भावरा आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ग्रामे के माध्यम से आपसे हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। सामिन हजरत, मेरा नाम अजीत पठान है, मैं गोविंद नगर का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम सावन है। घर में मेरी माँ है, बूढ़ी माँ का नाम कामिनी है। एक बहन है जिसका नाम कविता है। आप लोग ये सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे, अपना नाम तो मुसलमान धर्म से बता रहा है और बहन भाई माँ का नाम हिंदू धर्म से बता रहा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब मैं छोटा सा था तभी मेरे अम्मी अब्बू जान का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल होने से पहले मेरी परवरिश माँ कामिनी ने
कामी को साफ कर। अरे अम्मी अब्बू जान अल्लाह को प्यारे हो गए और मेरी परवरिश किया, बड़े बेटे की तरह मेरी माँ कामनी मानती है मुझे, और मेरा भाई सावन भी मुझे बड़े भैया का दर्जा देता है, और मैं भी अपने भाई सावन को भाई नहीं बल्कि एक बेटे का प्यार देता हूँ। क्या बताऊं, बहन कविता की शादी कर दिया, घर में परेशानी थी, भाई सावन पड़ रहा है, मैं माँ से ना बताकर भाई से ना बताकर 15 दिन से घर छोड़कर बाहर काम की तलाश में आया हूँ कि काम करूँगा ताकि मेरे भाई सावन की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके। और मेरा दिल घबरा रहा है कि चलो अपने भाई सावन से मिलूं, माँ कामिनी से और बहन कविता का कोई समाचार नहीं आया है। चलूंगा बहन कविता का भी हाल समाचार लूंगा। चलने से पहले मेरा एक दोस्त है जिसका नाम पुड़ई राम है, उससे मिलकर फिर मैं अपने माँ से और भाई से मिलने जाऊंगा। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भैया सब ठीक है ना? सब खैरियत है। चलो ठीक है। चाहे भैया कहाँ तैयारी बनाया? हाँ भैया, यार पुड़े तुम्हें मालूम है कि मैं 15 दिन से माँ से बताया नहीं, ना तो भाई सामन जानता है। कमाई के लिए परेशान था जी भैया, गांव में चल के कोई काम करूंगा, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे जी भैया, ताकि भाई सामन की पढ़ाई में काम आ सके। सही सही कहा था भैया। और ये भी सोच रहा हूँ, माँ से बताया नहीं, भाई भी हैरान होगा, माँ भी हैरान होगी। सही इसलिए चलो गोविंदपुर चलते हैं। भैया चल तही, हम सोचते रहे कुछ कहा चलता भैया, रास्ता कट जाता है। ठीक है, हमारे कहने के मुताबिक मैं एक छोटी सी कवाली पेश करने जा रहा हूँ।
हमारे प्रेम आदमी माननीय श्री हीरो प्रधान, माननीय श्री हीरो प्रधान जो कि नाथोपुर से आपके इस कवाले को सुनते हुए 100 रुपए का पुरस्कार आपके लिए दे रहे हैं। आपको बार बार नमस्कार। हीरो प्रधान जी के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे इस पार्टी के मास्टर लल्लन जी के भदोही साहब इलाहाबादी कवाली को सुनते हुए 100 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम। दुर्गा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। दिनेश सरोज जी, दिनेश सरोज जी आप इस कवाली को सुनते हुए 21 रुपए का पुरस्कार, भैया को बार बार नमस्कार। भैया को नमस्कार हो। मरहबा अक्से जमाले नबी अजमेर में, मरहबा अक्से जमाले नबी अजमेर। जी भैया, तुम्हारे कहने के मुताबिक कवाली पेश किया और जी भैया समाप्ति हो गई। जी भैया चलो चलते हैं, भाई सामन से मिलूंगा, माँ कामनी से मिलूंगा और दोनों भाई सलीमपुर जाऊंगा। जी भैया बहन कविता का हाल समाचार लाऊंगा। जी भैया चलो चलते हैं। चलिए भैया।